नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। एमएलसी चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे करके हर एक जिले की सामने आ रही है। ऐसे में अगर हम बात आरा की करें तो आरा में जेडीयू के कैंडिडेट राधा चरण साह आगे चल रहे हैं, वहीं आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के जो कैंडिडेट है वो इस वक्त एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 681 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनिल सम्राट जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है वो पीछे चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव में एक नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। कई एक ऐसे सीट है जहां पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये एक बुरी खबर है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जीत के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे थे। जितनी भी चुनावी सभाएं तेजस्वी यादव ने की, उन सभी चुनावी सभा में 24 में से ज्यादा सीट पर बहुमत हासिल करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आरा से निकलकर सामने आई है, वहां पर जेडीयू के प्रत्याशी राधा चरण साह 681 वोटों से आगे चल रहे हैं और जीत भी उनकी कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट अनिल सम्राट की बात हम करें तो वोटों की गिनती में वो अभी काफी ज्यादा पीछे हैं और यही वजह है कि जीत जेडीयू के कैंडिडेट राधा चरण साह की ही तय मानी जा रही है। आरा में अगर हम एमएलसी चुनाव की बात करें तो इसको लेकर कांटे की टक्कर इस वक्त जेडीयू और आरजेडी के बीच में दिखाई दे रही है। एनडीए के प्रत्याशी है राधा चरण साह, ऐसे में उनकी जो जीत है वो इस वक्त तय मानी जा रही है। पहले ही आरजेडी ने यह साफ कर दिया था कि 24 में से 2400 सीट आरजेडी के खाते में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो नतीजे हैं वो अब एमएलसी चुनाव के सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर में आरजेडी जो है वो हार गई है, तो वहीं अब आरा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि आगे कितने सीट से कितने वोटों से यहां पर जेडीयू की जीत होती है यह बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त 681 वोटों से राधा चरण साह सबसे आगे चल रहे हैं और ये एक बुरी खबर है तेजस्वी यादव के लिए। एमएलसी चुनाव से ही आगे का रास्ता तय होना है आरजेडी का और यही वजह है कि आगे की रणनीति भी इसी चुनाव पर टिकी हुई है। इस बार का एमएलसी चुनाव कुछ आम चुनाव नहीं बल्कि एक युद्ध भूमि बना हुआ है और यही वजह है कि कौन इसमें जीतेगा कौन हारेगा इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। न्यूज़ फॉर्मेशन आपको एक एक करके हर एक जिले का हाल बता रहा है कि कहां से किस प्रत्याशी की जीत हो रही है, कहां पर कौन सी सीट से कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त आरा की जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आरा में जेडीयू के कैंडिडेट राधा चरण साह जो है वो 681 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट की अगर हम बात करें अनिल सम्राट, तो वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं और जेडीयू के कैंडिडेट राधा चरण साह की जीत भी तय मानी जा रही है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।